दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक पार्ट से, मतलब सिर्फ एक ही पार्ट इस्तेमाल करके किस तरह से आप 50 वाट का ड्राइवर बना सकते हो एलईडी बल्ब का। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो ये पार्ट्स आप देख रहे हो, ये है एक SMD ब्रिज रेक्टिफायर। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो 1N4007 का डायोड का भी ब्रिज बना के यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर SMD ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पार्ट से, सिर्फ एक पार्ट से ही ये 50 वाट का ड्राइवर बना हुआ है और ये चल भी जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये फूक जाएगा, ये भी अच्छा चलेगा, क्योंकि आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका जो वाटेज है वो काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से। देखिए, आप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 808 नंबर का जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो, ठीक है। तो आप थोड़ा बड़ा वाला NCPCB का यूज़ करो, ठीक है। मेरे पास MCPCB अभी अवेलेबल नहीं है 50 वाट का, इसीलिए मैं इस तरह का सेटअप किया है, ठीक है। आप 50 वाट का बड़ा MCPCB में इस ड्राइवर से चला सकते हो, वो भी चल जाएगा आसानी से, ठीक है। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा सा होल दिख रहा है, इसके पीछे आप एक स्क्रू लगा के एक हीट सिंक लगा सकते हो। हीट सिंक लगाने से ये गर्म कम होगा और इसकी लॉन्गजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और थोड़ा हीट सिंक पेस्ट भी लगा सकते हो इसके पीछे, ठीक है। और इस तरह का SMD ब्रिज आप इस्तेमाल करो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आप 4007 का डायोड का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है, इसमें इंडिकेट किया गया रहता है AC, मतलब आपका AC वाला वायर कौन सा होगा, मतलब करंट वाला वायर कौन सा होगा, और DC प्लस DC माइनस, प्लस माइनस पहले से इंडिकेट किया है। आप AC वाले पॉइंट पर आप करंट का 220 वोल्ट का सप्लाई दो, बस हो जाएगा। आप इस पर सोल्डिंग कर लो बस, मतलब एक ही चीप से आपका काम हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है करने में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इससे बड़ा वाला भी ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब SMD ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कहा कि मार्केट में शायद और कोई अवेलेबल हो, ठीक है, इसलिए आप इस तरह का बड़ा वाला ब्रिज रेक्टिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और मैं इस पर कनेक्शन कर लूँगा, ठीक है, MCPCB के साथ। चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। ये नेगेटिव के लिए है येलो वाला, और ये रेड वाला पॉजिटिव के लिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव कनेक्ट करूँगा। दोस्तों मैं कभी शॉर्ट प्लेस पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, मतलब सोल्डिंग में। अब जो दोस्तों ये AC का वायर है, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर AC लिखा गया है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको स्विच देता हूँ, आप देखो। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। अब मैं इस पे करंट देख के देखूँगा कि ये चलता है कि नहीं।